नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? फाइनली मांगे एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो काफी खास है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई IOCL के डिपार्टमेंट से, यानी कि इंडियन ऑयल के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ट्रेड अप्रेंटिसिस व टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस के पोस्ट हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज आई है। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए 12वीं पास, कोई भी ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ITI वाले व डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है मेल व फीमेल दोनों के लिए, और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 22 जनवरी 2020। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है तो थोड़ा माफ करिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और आपको इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल दें, उससे पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों पहली बात, इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से चेक कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। दूसरी बात, हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस, और गिव अवे का रिजल्ट आ रहा है 29 दिसंबर को, यानी कि संडे को। और दोस्तों आज का गिव अवे क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आज का गिव अवे क्वेश्चन है, बड़ा दिन किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14 जनवरी, 15 अगस्त, 25 दिसंबर या फिर 26 जनवरी। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। और दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपनी वेबसाइट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पोस्ट का नाम क्या है? तो पोस्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, केंद्र सरकार की भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी पूरे भारत में रहेगा और एप्लीकेशन मोड यहां पर ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फीस क्या है दोस्तों? तो एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, किसी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से पोस्ट है। वहीं ट्रेड अप्रेंटिसिस के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक व मैकेनिस्ट से पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं इसके स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वैकेंसी के लिए दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो है 357। अगर हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से टोटल 25 पोस्ट हैं। वहीं ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए टोटल पोस्ट है इन स्टेट से 13। वहीं आपको ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए टोटल पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के 12, यानी कि टोटल वैकेंसीज 50 हैं। सैलरी क्या मिलती है? तो सैलरी यहां पर एज पर रूल्स मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यहां पर ट्रेड अप्रेंटिसिस के लिए अप्लाई करेंगे रेगुलर फुल टाइम ITI वाले, NCVT SCVT वाले। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे 3 साल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले रेलिवेंट ट्रेड में। साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से, BA, BCOM, BSc, BTech कोई भी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे फ्रेशर, यानी कि केवल 12वीं पास फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए अप्लाई करेंगे 12वीं पास और इट्स इक्विवेलेंट विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले। सिलेक्शन यहां पर बेस्ड है रिटन टेस्ट पर, और अप्लाई करने का डेट है 26 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।